यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। कुल्लू की ओर लेकर चलते हैं, जहां पर आज से पुस्तक मेला शुरू हो रहा है। 17 जून तक चलने वाले इस मेले में एनबीटी की तरफ से पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इसका शुभारंभ डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री करेंगे, जबकि डीसी यूनुस भी मेले में शिरकत करेंगे। एनबीटी के उपनिदेशक इमरान उल हक ने बताया कि पुस्तक प्रोन्नयन गतिविधियों का आयोजन करके आम पाठकों को पुस्तकें पहुंचाना न्यास का मुख्य उद्देश्य है, इसलिए न्यास देश भर में पुस्तक मेले और प्रदर्शनियां लगाता रहता है। 9 से 17 जून तक हर रोज सुबह 11 से शाम 8 बजे तक लगने वाले इस मेले के दौरान सभी पुस्तकों पर 10% छूट रहेगी। तो आपको बता दें, आज से एनबीटी पुस्तक मेले का भी आगाज हो चुका है। कुल्लू से एक खबर है, जहां पर कुल्लू पुस्तक मेला 9 से 17 जून तक चलेगा, जहां पर हर प्रकार की किताबें आपको देखने को मिल जाएगी, लेने के लिए मिल जाएगी, पढ़ने के लिए मिल जाएगी, वो भी 10% की छूट के साथ। अगर आप भी पुस्तक पढ़ने के शौकीन है तो कुल्लू आज आपके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ जगह रहने वाली है, क्योंकि 17 जून तक यहाँ पर पुस्तक मेला चलेगा। तो इसी खबर पर हमारे संवाददाता मनीष ठाकुर कुल्लू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, तो कहीं ना कहीं आज जैसे कि पुस्तक मेले का आगाज हो रहा है, तो जो पाठक है उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जी बिल्कुल दीक्षिका जी, जो पुस्तक मेला है आज से शुरू हो रहा है जी, तकरीबन 11 बजे इसका शुभारंभ किया जाएगा जी। जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के जो कुलपति है डॉक्टर चंद अग्निहोत्री, वो यहाँ पे आएंगे, उसका उद्घाटन करेंगे जी। और साथ ही जो पुस्तक पढ़ने वाले हैं, जिन्हें पढ़ने का शौक है, उनके लिए काफी अच्छी चीज रहेगी ये, क्योंकि आज से ये 17 जून तक बिल्कुल पुस्तक मेला रहेगा। और इसमें खास बात यह है कि जो इसका इसमें एंट्री फीस है वो बिल्कुल कोई इसमें एंट्री फीस नहीं लगेगी, इसका जो अंदर आने के लिए बिल्कुल निःशुल्क है ये जी। तो कोई एंट्री फीस नहीं लगेगी। और उसी के साथ जानना चाहेंगे कि इस मेले की खास बात क्या कुछ रहने वाली है। जी जी बिल्कुल, तकरीबन 50 में जो पब्लिशर है यहाँ पे इस मेले में शिरकत कर रहे हैं जी। और पुस्तकों के साथ साथ यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, जिस तरह बच्चों के कोई खेल कूद है जी। या अपना क्या कहते हैं उन्हें लोक संस्कृति और पंजाब की एकता का शेयर भी होगा यहाँ पे जी। और काफी कुछ कार्यक्रम जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज यहाँ पे की जाएगी जी। मनीष ठाकुर, अगर कुल्लू की बात की जाए तो कुल्लू पर्यटन दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, ऐसे में पर्यटकों के लिए भी ये मेला एक आकर्षण का केंद्र रहने वाला है। पर्यटन जीवन बिल्कुल चरम पर है, तो पर्यटक यहाँ पे आते हैं घूमने कुल्लू मनाने के लिए, तो उनके लिए भी एक खासा उत्साह रहेगा मेले में देखने के लिए, क्योंकि 9-10 दिन का मेला रहेगा, तो जो पर्यटक है वो यहाँ पर आके इस चीज का भी आनंद ले सकते हैं जी। और उसी के साथ पुस्तक मेले में 10% की छूट भी दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं पाठकों के लिए एक अच्छा मौका भी है पुस्तकें लेने का। जी बिल्कुल, जो यहाँ पे 10% की छूट दी जा रही है, तो पिछले कल जो पत्रकार वार्ता हुई थी यहाँ पे, तो उसमें उपायुक्त कुल्लू भी मौजूद थे, उन्होंने भी घोषणा की थी कि जो जिला कुल्लू पुस्तकालय है वहाँ के लिए भी इस छूट के अवसर पर किताबें खरीदेंगे। तो जहां तक पुस्तक मेले की बात है, तो पुस्तक मेले में तो लोग फायदा उठा सकते हैं, उसके बाद भी जो कुल्लू जिला का पुस्तकालय है वहाँ पे भी इन किताबों को पढ़ा जा सकता है जी। शुक्रिया मनीष ठाकुर जी, इस तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए और हमें बताने के लिए कि आखिरकार जो कुल्लू में इस मेले का आगाज हो रहा है, किस प्रकार से मेला चलने वाला है, एंट्री यहां पर फ्री रहेगी, 10% की छूट भी रहेगी।